हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग के साथ में लेके आए हैं हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए हम 250 ग्राम चने की दाल लिए हैं और दाल को अच्छे से धोकर साफ करके हम एक कुकर में दाल को डाल दिया है। उसमें डूबने लायक पानी डालकर इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक डाल दिए हैं। तो चलिए अब हम कुकर को गैस में बैठा देते हैं। कुकर को एक सीटी लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा सीटी दाल में मत लगवाइएगा। तो चलिए दोस्तों, दाल बॉईल होने तक हम आटा अपने लगा लेते हैं। तो आटे हम 500 ग्राम जैसे लिए हैं। हम इसको पानी डाल के हल्का हल्का से इसको आटा को लगा लेते हैं। आटा हमारा गूंथ के रेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए इसको 10 मिनट तक हम ढक के रख लेते हैं। तो दाल भी मेरा लगभग हो चुका है। तो चलिए दाल को हम निकाल कर पीस लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दाल को ज़्यादा सीटी मत लगवाइए, ना तो गीला हो जाएगा, टॉपिंग के लिए बाद में दिक्कत होगी। दाल को हम सिलपट्टे पर पीस लेते हैं। चलिए दोस्तों, दाल को हम पीस लिया है। अब इसमें देने के लिए हम साबुत जीरा को भून लेते हैं हल्का सा। जीरा हमारा भून चुका है तो हम इसको भी हल्का हल्का से पीस लेते हैं। अब ये पीसे हुए जीरे को हम दाल के टॉपिंग में डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब हम आटे को छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेता है। लोई को ऐसे शेप में शेप कीजिए जैसे बीच में इसका गड्ढा हो, ऐसे। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरीके के शेप में कर लीजिए। इस तरीके से करने से तरारे नहीं आते हैं, वरना आप बेल के भी कर सकते हैं। पीसे हुए दाल के स्टफिंग को इस तरह बीच में घुसाकर ऐसे फोल्ड करते जाइए। ध्यान रखिए, इसको हल्का हल्का उंगली की मदद से दबाते हुए ऊपर इसको ऐसे करते जाना है। देखिए दोस्तों, इतना आसान तरीके से रेडी हो चुका है बनके मेरे लोई। अब इसको परथन लगा के अच्छी तरीके से हम बेल लेते हैं। देखिए दोस्तों, रोटी हम बेल के रेडी कर चुके हैं। अब चलिए इसको हम तवे में सेक लेते हैं। रोटियों को पलटते समय घी वरना हल्का हल्का सा तेल इसमें लगा लीजिए दोनों तरफ। देखिए दोस्तों, मेरा दाल पूड़ी बनके रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा।